आपका पहला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1957 में, बी 1927 में, सी 1930 में, डी 1932 में। आपका आंसर है ए 1957 में। आपका दूसरा सवाल है, निम्न में से लोसांग नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार में, बी केरल में, सी सिक्किम में, डी मेघालय में। आपका आंसर है सी सिक्किम में। आपका तीसरा सवाल है, पंचायत राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी भीमराव अंबेडकर ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू ने। आपका चौथा सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए जांग में, बी गर्दन में, सी टांग में, डी जबड़े में। आपका आंसर है डी जबड़े में। आपका पांचवा सवाल है, पाकिस्तान देश किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 14 अगस्त को, बी 16 अगस्त को, सी 12 अगस्त को, डी 25 जनवरी को। आपका आंसर है ए 14 अगस्त को। आपका छठा सवाल है, निम्न में से सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पृथ्वी को, बी मंगल को, सी शुक्र को, डी सूर्य को। आपका आंसर है डी सूर्य को। आपका सातवां सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत में, बी जापान में, सी भूटान में, डी अमेरिका में। आपका आंसर है बी जापान में। आपका आठवां सवाल है, सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? आपके ऑप्शन हैं ए नेपाल का, बी यूक्रेन का, सी जापान का, डी भूटान का। आपका आंसर है बी यूक्रेन का। आपका नौवां सवाल है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए पीछे पड़ना, बी चकित करना, सी बहाना करना, डी शोक करना। आपका आंसर है बी चकित करना। आपका दसवां सवाल है, वह कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाने के बाद दोबारा नहीं उठता है? आपके ऑप्शन हैं ए सांप, बी मच्छर, सी बिच्छू, डी चींटी। आपका आंसर है डी चींटी। आपका ग्यारहवां सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1956 में, डी 1946 में। आप सभी लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।